Oui. नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मानकानंद। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने अलजबरा स्टार्ट किया था आप सभी को समझाने के लिए, क्योंकि अलजबरा के क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हम कई बार उसमें असहज महसूस करने लगते हैं। तो हम खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे, खूब सारे कॉन्सेप्ट सीख कर जाएंगे ताकि वहां पर कोई भी दिक्कत हमें ना हो। तो आइए हम सीधा सवालों के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं आप तक। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त जुड़ गए हैं, सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। और बाकी हम सवाल, कल का लेक्चर आपने देखा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, उसी लेक्चर से हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर मैं आपको हल्का सा याद दिलाऊं तो ये जो पॉइंट है हमने कल आपको बता रखे थे, यहीं से हमें अपनी बात को शुरू करना है। देखिए जरा आप, ये लास्ट पॉइंट हमारे थे कल के लेक्चर के। आप यहाँ पे ज्यादा गौर मत कीजिए, आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। ये फॉर्मूले हमने आपको बताए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का फोर ए बी हो जाएगा हमारे पास। यानी अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस का फोर ए बी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का फोर ए बी। ठीक है, यहीं से ये स्क्वायर हटा के हमने ये फॉर्मूले निकाले हैं। ये फॉर्मूले थोड़े ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपना काम यहाँ से होने वाला है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो भी है। अगर हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, है ना, इन फॉर्मूलों के मुताबिक। तो यही हम देख पा रहे हैं। तो अगर एक की वैल्यू होगी तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू भी मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर। अब जैसे इसी को हमने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, है ना, इन फॉर्मूले को हम थोड़ा सा समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हमने लिया था। कैसा, देखो हमें एक्स प्लस नहीं, हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, निकाल लिए हैं। तो हमें एक वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की। तो हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर, हम डायरेक्ट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर लेंगे ना। ठीक है ना, तो हमने वही कर दिया। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई थी हमने वैल्यू पुट की और माइनस का चार कर दिया हमने। माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था और बाकी फॉर्मूले में भी हमसे बार बार बात कही जा रही है। सॉल्व किया हमने, 12 आया, 12 को थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं तो यहां तक पहुंच जाते हैं। मुझे भरोसा है आप इस बात को समझे होंगे। तो हमें एक दो सवाल और बताने हैं इसी टाइप के, फिर हम खूब सारे सवाल और करेंगे। देखो जरा, ये फॉर्मूले बहुत काम के हैं। बार मैं अगर लिखूं यहां पर कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का चार, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पे हो जाएगा सर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का चार हो जाएगा। ये जो दो फॉर्मूले है ना, बहुत काम के हैं यार, बहुत काम के। अब आप देख लीजिएगा कि कहां पर कैसे हमें इनका यूज करना है। आओ अब सवाल करते हैं। एक सवाल है हमारे पास, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है हमारे पास पांच। ठीक है, हमें निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की ये वैल्यू निकालनी है। निकालेंगे आप? निकालो। देखो क्या करेंगे हम, यहां पर हमें ये काम करना है। अब चूंकि माइनस वाला पूछा जा रहा है ना, तो हम प्लस वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी प्लस वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और माइनस यहां पर है ना तो घटा देंगे।
ये बात हमने कहाँ से की है, ये हमने सेकेंड वाले फॉर्मूले से करी है। देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी और आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 21 आ जाएगा, 21 ये आंसर है आपका। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, बहुत जरूरी है ना ये, पता चलेगा आपको कितने जरूरी है। अगर हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है 3, ठीक है, और हमें निकालना है वैल्यू किसकी, वैल्यू निकालनी है मैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे मैनेज करेंगे हम? देखो रूट में हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर किया हमने, प्लस का 4 कर देना है हमें, 9 4 13 हो जाएगा हमारा, ये यानी अंडर रूट 13 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर आप फॉर्मूले देख सकते हैं, हम उन्हीं फॉर्मूलों में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं पर बार बार लिख नहीं रहे हैं सारी चीजें। ये काम क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, वही पता चल जाएगा आपको। इनकी जरूरत हमें कहाँ पे पड़ती है, अभी बताते हैं आपको इनकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है। इसकी वैल्यू निकाल ली, निकाल पाएंगे आप? अगर हाँ तो निकालो। देखो यार अब समझ गए होंगे आप, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे ना हम, जी करते हैं फिर क्या है, यानी एक्स प्लस नौ अपॉन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करते रहे, ठीक है, माइनस का 4 करना पड़ेगा तो 4 कर देंगे भाई, 36 में से 4 जाएगा तो 32 हो जाएगा हमारे पास। अब 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 गुणा 2 लिख देंगे है ना। देखो 32 तो आना ही चाहिए आपको, आगे आप समझ जाएंगे, 16 गुणा 2 लिखेंगे, 16 को बाहर निकालेंगे ना तो 4 हो जाएगा आगे अंडर रूट, यानी कि ये आंसर है अपना 4 अंडर रूट 2। समझे हो क्या बात को कि नहीं? समझ गए ना। एक सवाल और करना है हमें लास्ट इस टाइप का, फिर हम सीधा सवालों पर ले चलते हैं आपको। यदि हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है 5 मान लीजिए, और फाइंड करना है हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, निकालो आप ये सवाल करूंगा।
देखो क्या करेंगे अब, इसका 5 का स्क्वायर करेंगे, 4 जोड़ देंगे। 4 का रोल कितना महत्व है समझ रहे होंगे आप, 4 का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। ट्वेंटी नाइन। क्या आ चुका है, अब देखना है हमें कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे अगर हम आपके सामने 2 सवाल रखते हैं, एक सवाल है हमारे पास कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल, ये माइनस में रखते हैं, हम आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू है 4, तो आप हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए कितनी होगी, इसके लिए निकाल कर दिखाओ आप, इसके लिए निकाल के दिखाओ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाएंगे आप। अब इसमें पता है कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे और हमसे कहेंगे कि लीजिए सर आ गया, यानी आप लोगों का आंसर जो है वो आ जाएगा 18। लेकिन यार 18 इस साल का आंसर है नहीं, 18 इस साल का आंसर तब होता जब हमसे पूछा जाता कि आप दिखाइए मुझे इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। मैंने कहा था कि स्क्वायर के केस में हम माइनस से जाएं या प्लस से जाएं, पहुंचते हम प्लस में ही है इस मेथड से। 4 का स्क्वायर प्लस 2 हमें करके 18 वैल्यू दरअसल हम इसकी निकालेंगे, पर इसमें और इसमें फर्क तो है ना यार, कैसे बात कर सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, अगर आपके मन में ये वाली कैलकुलेशन आ रही है तो गलत बात है, नहीं आनी चाहिए ऐसे। अच्छा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये सोच के देखो आप जरा, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, आप बोलेंगे हाँ लिख देंगे, ये प्लस भी ये माइनस भी, अगर हम वापस ब्रेक करेंगे ना तो यहीं पे पहुंच जाएंगे। हाँ, ये तरीका ठीक है आपका, ठीक है ये तरीका अपना बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास कुछ कुछ वैल्यू तो इसमें है ही, जैसे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब रही बात यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू की, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, उसी के लिए हमने आपको कुछ कुछ तरीके सिखाए हैं आपको पुराने, है ना। अभी कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ये सवाल तो अभी नया बन गया है ना, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यदि हमारे पास 4 है तो आप बोलेंगे अंडर रूट 4 का स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस में 4 कर देंगे। ये वाली बात मत पूछना आपकी कैसे किया सर, क्योंकि ये वाली बात तो हमने समझा रखी है आपको, ठीक है 20 हो गई। अब 4 गुणा 5 लिख सकते हैं ना हम 20 को, तो 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा हमारा, 2 अंडर रूट 5 हम यहाँ पर रख सकते हैं, कितना जी सर 2 अंडर रूट 5 रख सकते हैं, 2 अंडर रूट 5। अब गुणा कर लेंगे यदि हम, 4 दूनी 8 अंडर रूट 5 अपना आंसर है। ये है सवाल का आंसर, जो लोग 18 दे रहे हैं आंसर बहुत गलत दे रहे हैं आंसर, ऐसे नहीं मानने के भाई आपकी बात ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर इनका यूज होगा वो हम देखेंगे अभी, एक तो आपने देख ही लिया होगा, और सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है 6, और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की पावर, नहीं हाँ ऐसी की कर लेते हैं, एक्स की पावर 2 माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है।
देखो जरा इसको। क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पर हमें वही तरीका करना पड़ेगा फॉलो। हमें यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भांति से देखना होगा, और अगर हम इसे ऐसे देखेंगे तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा हमारा ये। ठीक है भाई, देखो एक की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, हमने यहाँ पर रख दी वैल्यू। ये रही बात इसकी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालने की, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे। देखो ये तो हम लोगों को पता चल ही गया है कि अगर हमें एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर तो हमारे पास कितना फिक्स पैटर्न है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर है ना जी, 6 का स्क्वायर माइनस का 4 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, इसके नंबर का स्क्वायर माइनस का निकालना तो घटा देंगे, यहाँ पर अपने पास 32 आ जाएगा। 32 को हम 16 गुणा 2 लिखेंगे, 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अभी 4 अंडर रूट 2 यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने वाले हैं, 4 अंडर रूट 2 यानी कि 6 चौक 24 अंडर रूट 2, ये आंसर है। बताओ भी बनी बात, बात बन जानी चाहिए फिलहाल। देखो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी थी। मैंने बार बार बताया है कि स्क्वायर के केस में हम माइनस से जाएंगे तो भी डायरेक्ट प्लस में जा पाएंगे, और यदि प्लस से जाएंगे तो भी हम प्लस में जा पाएंगे। माइनस में जाने के लिए हमें इस तरीके से होकर गुजरना होता है। अब हम क्यूब के केस में क्या करेंगे, क्यूब का केस थोड़ा सा समझते हैं। क्यूब का केस कैसा है, जैसे मेरे दोस्त हमारे पास सवाल ये है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 6 ही रख दिया, ठीक है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे निकाल के दिखाइए किसकी वैल्यू, निकाल के दिखाइए आप एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। अब आप यहां पे सोचेंगे कि सर अगर हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू होती तब तो हम एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब डायरेक्ट कर लेते, हमारे पास फॉर्मूला भी है, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे थोड़ा सा सोच के देखिए आप। आपके पास है 10 सेकंड, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखें जरा ये क्वेश्चन है हमारा, उम्मीद है आप कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग एक बढ़िया सा आइडिया निकालते हैं कैसे। अगर हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है ना, तो हम यहाँ से एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना मजा आ जाएगा। और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी फिर हम उसे के का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेंगे। जी सर बिल्कुल, अब 4 घटा लेंगे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारे पास 32 आ जाएगा, इसलिए हमने उसी डेटा को ले लिया। यहाँ पर 16 गुणा 2 लिखेंगे, 16 को बाहर निकालेंगे, 4 अंडर रूट 2 आ जाएंगे, यानी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के लू हमारे पास ये डेटा आ चुका है। अब देखो इसको आप क्या करिए, इसे के मानिए आप, इस 4 अंडर रूट 2 को ये आप क्या मान लीजिए जी, के मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसे हम लोगों ने क्या मान लिया, के। अब इसे अगर हम लोग के मान लेते हैं तो फिर क्या कहेंगे आप, यहाँ पर बोलेंगे सर के का क्यूब यानी कि 4 अंडर रूट 2 का हम क्यूब करेंगे, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 3K। ठीक है, 3K के लू है हमारे पास 4 अंडर रूट 2। समझे इस बात को कि नहीं, ये बात समझनी पड़ेगी आपको यार। मैंने आपको देखो एक पॉइंट बताया था, समझा रहे हैं इस पॉइंट को फिर से, पर
अगर हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू के तब फिर हम यहाँ पर बोलते हैं कि सर एक्स क्यूब प्लस में वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा कितना जी सर के, नहीं नहीं माइनस माइनस वाला ही पॉइंट है यहाँ पर, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे के क्यूब और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 3k। ठीक है ना, याद है आपको ये पॉइंट कि नहीं है? अब भाई सॉल्व कर लीजिए इसे आसान, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। देखो 4 का क्यूब किया हमने तो 64 हो गया हमारा, दो अंडर रूट 2 का क्यूब करेंगे ना तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये भी हमने सिखाया था आपको। कोई नंबर अगर इसका सिर्फ इसका क्यूब करेंगे अगर हम तो ठीक है। 64 दूनी यहां पर कितना करते हैं, 128 कर देंगे, इतना आ जाएगा। समझ गए बात को कि नहीं? तो ऐसे हमें करना होता है, इस तरीके से हमें चीजों को मैनेज करना होता है दोस्त। अब हमें एक बार आपको बैक जाना सिखाना है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है कैसे, अगर हमें एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह में होकर जाना होगा तो फिर ये लॉजिक हमने आपको बता दिए हैं। अब हम आपको एक बार रिवर्स चीजों को लेकर जाना सिखाते हैं। जैसे आपके पास है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर है हमारे पास 194 है। ठीक है, ये सवाल है और हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालनी है x³ - 1/x³ की, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, या फिर हम प्लस की वैल्यू निकाल देते हैं। प्लस की निकालना है, किसी की भी निकालना है। चलो अब यहां से आप सीख जाओगे, प्लस का भी निकालना माइनस का भी निकालना। अब आप बोलेंगे सर ये तो अजीब सा प्रश्न है, जबकि अजीब सा प्रश्न है नहीं। ठीक है, आप डरिएगा नहीं, बस पेपर चल। देखो हम क्या करेंगे, इस साइड से हमारे पास x की पावर 4 है प्लस में 1/x की पावर 4, अगर हम इस साइड मान लीजिए 2 जोड़ते हैं तो आप क्या कहेंगे, सर हमें इस साइड भी 2 जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा सर। अब यहाँ पर आप गहराई से देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये x² + 1/x² का होल स्क्वायर का और बराबर में हो जाएगा हमारे पास कितना, बराबर में हो जाएगा ये 196 बोलेंगे ना, 196 का मतलब हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर आप इसका फॉर्मूला खोलते हैं ना तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब आप बोलेंगे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x² + 1/x² का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा इतना, 14 ही आ जाएगा। ठीक है, एक काम और कर लें हम, ये हमारे पास 14 हो जाएगा। यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना जी सर, यहाँ पर भी 2 ऐड करना पड़ेगा। इसका फिर से एक हम फॉर्मूला बना लेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाएगा
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 16 16 का स्क्वायर यानी हम 4 का स्क्वायर बोल देंगे, तो हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के लू 4 आ जाएगी। यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के लू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखो यही तो मेन वैल्यू है हमारी, इसी की तो हमें आवश्यकता थी। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आई ना, यहाँ पर हमारा पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पर हम 4 का क्यूब कर देंगे, माइनस में 3 गुणा 4 कर देंगे, के क्यूब माइनस 3 के, अपने पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 52। तो इस तरीके के सवाल भी हमारे सामने कई बार पूछ लिए जाते हैं और हमें उनका आंसर इस तरीके से निकाल देना होता है। बताइए आप समझ पाए क्या मेरी इस बात को? अगर आपसे कहा जाए एक्स की पावर 4 प्लस 1/x^4 बराबर, हमारे पास अगर 102 है तो हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये सवाल है हमारा। देखो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x^4 है हमारे पास, अगर इसमें से हम 2 घटाते हैं इस साइड से और इस साइड से भी 2 घटाते हैं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कहाँ कोई दिक्कत है। यार हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास ये कितना जी 10 का स्क्वायर, 100 है ना, ये 100 आ जाएगा ना, तो 100 का मतलब 10 का स्क्वायर लिख देंगे हम इसे, बिल्कुल लिख देंगे। क्योंकि जो माइनस का 2 है ना, ये जो यही डिपेंड करेगा कि आपका फॉर्मूला प्लस वाला बनेगा या माइनस वाला बनेगा, इसी बात का तो हमें पता होता है ना। क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ही है, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो। अब अगर थोड़ा सा हम इसे और सॉल्व करें यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ गए आप बात को। चलिए एक काम करेंगे हम, एक आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक काम कर लीजिए, कल का जो आपका लेक्चर हुआ था और आज का लेक्चर हुआ है, अगर आपको आज के लेक्चर में जरा सा भी डाउट है कहीं पर, हो सकता है कि कोई डाउट हो आपका और मैं उसे सॉल्व ना कर पाया हूं, तो आप क्या करिए कल का लेक्चर बिल्कुल शुरू से देख लीजिए और आज का लेक्चर भी बिल्कुल शुरू से देख लीजिए, आपका पूरा काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपनी बात को रख सकते हैं, एक बार अपना कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। कोई डाउट है भाई? कल का लेक्चर देखना है आपको पहले और आज का लेक्चर देखना है, फिर आप तय कर लीजिए, फिर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए फिर, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में अगर कोई डाउट होगा तो उसे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए क्या करिए, हमारे एक चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में उसे बेल आइकन को प्रेस भी करिए, और एग्जामपुर के यार ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एग्जामपुर के ऐप पर आपको ये सभी के सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। एग्जामपुर के ऐप पर आपको ये सब पीडीएफ मिलेंगी, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है, फ्री जो सेक्शन है ना, फ्री कोर्स का जो सेक्शन होगा वहां पे आपको ये जो हमारी पीडीएफ होगी वहां पर मिल जाएंगी आप।
ठीक है जी, चलिए आज के लिए भी हम लोग इतना ही रखते हैं। आपकी जो दिवाली है वो शुभ हो, सॉरी आपकी होली जो है वो शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं हम। और खूब बढ़िया तरीके से पढ़िए, चीज़ों को सीखिए, समझिए। आपसे मुलाकात करेंगे हम एक बार कल पुनः, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।